गुरुग्राम के सिविल लाइंस स्थित जॉन हॉल में नगर निगम गुरुग्राम की सामान्य बैठक आयोजित की गई, जिसमें नए वित्त वर्ष का बजट पेश किया गया। बैठक में निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह और मेयर मधु आजाद मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में नगर निगम प्रशासन ने जिस तरीके से नए वित्त वर्ष में आय व्यय की योजना तैयार की है, उससे अधिकांश पार्षदों में असंतोष देखने को मिला। स्ट्रीट वेंडिंग योजना में कई अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं पर भी पार्षदों ने निगम प्रशासन को घेरा। वहीं बजट को लेकर मेयर मधु आजाद ने कहा कि बजट बड़े शांतिपूर्वक तरीके से पास किया गया है। स्ट्रीट वेंडर को लेकर उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री की योजना थी जो साल 2016 में लागू हुई थी। उसके अनुसार जितनी रेहड़ी लगनी थी उससे कई गुना अधिक रेहड़ियाँ लगाई गई है, जिससे कई पार्षदों में नाराजगी है। बजट का मुद्दा सबसे बड़ा हमारा रहा, जो कि हमें पास करना था, और हमारे हाउस ने बड़े आराम से बड़े अच्छे तरीके सब चीज़ देख के रिव्यू मीटिंग भी ली थी, हुई थी हमारी, तो उसमें भी डिस्कस हो गया था। और आज भी हमारा सारा अच्छे तरीके से हमारे पार्षदों ने, हमारे सभी हाउस, पूरे हाउस ने पास कर दिया है कि ये हमारी प्रधानमंत्री की योजना थी जो कि हमने ये 2016 में जो लागू हुई थी, तो उसके बिहाफ पे जितनी रेड़ियाँ लगनी थी उससे कहीं ज़्यादा रेड़ियाँ लगी हुई हैं, जो कि पूरे शहर को थोड़ा सा गलत मैसेज भी जा रहा है, क्योंकि उससे गंदगी हो रही है हमारे शहर में, तो उसको रिलेटेड से हमारे पार्षद भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। वहीं निगम कमिश्नर विनय प्रताप ने कहा कि रेवेन्यू रिसीट्स की बात की जाए तो 4,900 करोड़ रुपए का पूरा एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीट्स रहा है, जिसमें 2500 करोड़ का एस्टिमेटेड का एक्सपेंडिचर है, जो आने वाले वर्षों में विभिन्न विकास कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में निगम की आय बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई और कुछ आंकड़े भी रखे गए हैं। देखिए, इसमें हमारे जो अगर हम रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें तो लगभग हमारा 4,900 करोड़ का टोटल रेवेन्यू एस्टिमेटेड रिसीट्स हैं, जिसमें हमारे सभी हेड्स आते हैं, स्टैम्प ड्यूटी से लेकर प्रॉपर्टी टैक्स या जहाँ जहाँ हमारे रेवेन्यू के सोर्सेज हैं उन सबको शामिल करके, और लगभग हमारा इसमें 2500 करोड़ का हमारा इसमें एस्टिमेट है एक्सपेंडिचर का, जो हमारे विभिन्न विकास कार्यों पर आने वाले वित्त वर्ष में करेंगे। अवैध रूप से लगाई जा रही रेडियो के खिलाफ पार्षदों का गुस्सा देखने को मिला। बैठक में पार्षदों ने निगम प्रशासन को भी घेरा। वार्ड नंबर 20 से नगर निगम पार्षद कपिल दुवा ने अवैध रेडियो का मुद्दा बैठक में उठाया। उन्होंने कहा कि अलग अलग सेक्टर में बिना लाइसेंस रेडी लगाई जा रही है, उससे कई पार्षद परेशानी में है। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के द्वारा एक दूसरे के मकानों पर शिकायत करने का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया। वार्ड नंबर 34 से पार्षद आरएस राठी ने कहा कि इस बीते हुए साल का खर्चा 1100 करोड़ और इनकम 600 करोड़ रुपए है, जिससे हमको 500 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसको कहीं भी दर्शाया नहीं गया है। वहीं रेडी के मुद्दे को लेकर भी आरएस राठी ने कहा कि सभी पार्षदों द्वारा अवैध रेडी के मुद्दे को उठाया गया है और यही मांग की गई है कि उनको बंद किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर और भी कई पार्षदों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। लोगों के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया कि एक तो रेडी का जो गलत तरीके से हम लोगों ने बिना लाइसेंस के इतने ज़्यादा हमने जो अलग अलग सेक्टर्स में इन रेडियों को लगवा दिया है, उससे काफ़ी पार्षद हमारे परेशानी में हैं। तो ये मुद्दा था, और बाकी यही एक मुद्दा उठाया गया मेरी तरफ से भी कि भाई जिस तरीके से लोगों ने आजकल एक दूसरे के मकानों के ऊपर कंप्लेंट करने का कार्य किया हुआ है, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे कोई व्यक्ति जो कि उस मकान के कहीं आसपास भी नहीं रहता, मीलों दूर है, और वो उस मकान के ऊपर एक एप्लीकेशन लगाता है और 3 महीने बाद वो एप्लीकेशन अपनी वापस ले लेता है। ये सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग का बिजनेस है और कुछ भी नहीं है। ये लोगों को डराया जाता है और उस माध्यम से उनसे पैसे लेने का कार्य किया जाता है। आज निगम का बजट पेश किया गया है। बजट के माध्यम से मैंने ये बताया कि हमारा इस साल का जो खर्चा, जो साल कंप्लीट हुआ है, 1100 करोड़ रुपए है और इनकम 600 करोड़ रुपए है, तो हम 500 करोड़ के लॉस हैं। वो लॉस आपने कहीं भी दर्शाया नहीं है, तो इसका मतलब FDR तोड़ोगे आप। FDR 750 करोड़ की है, तो 250 करोड़ का हमारे पास बचत होगी और नेक्स्ट ईयर हमारा खर्चा भी और इनकम यही रही तो हम लगभग 250 करोड़ नुकसान में जाएंगे। तो मैंने निगम को यही बताया कि इसके अंदर आप इमीडिएट एक्शन ले लीजिए, नहीं तो अगली बार कॉरपोरेशन के पास कोई पैसा नहीं बचेगा काम करने के लिए। जो रेहड़ी घोटाला हो रहा है, इस रेहड़ी घोटाले के अंदर बड़े बड़े लोगों का हाथ है।
खाली एक बाबू का हाथ नहीं हो सकता। अभी विजयपाल जी ने 2-3 महीने से ही चार्ज लिया यहाँ पर और उन बना रहे हैं रिपोर्ट, लेकिन बात यह है कि रेहड़ियाँ लग क्यों रही हैं जब मार्केट है, मार्केट में लोगों ने करोड़ों रुपए की दुकानें ले रखी हैं, जो इन्होंने स्ट्रीट वेंडिंग जोन दिया था वो चलती फुलती रेहड़ियाँ का होता है, लेकिन उन लोगों ने रेहड़ियाँ जमा कर रख लिया और एक रेहड़ी की जगह 10-10 रेहड़ियाँ वहाँ बना दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।